सो हाय गाइस, तो आज की इस बार वीडियो में बात करने वाले रियलमी 8s स्मार्टफोन के रिलेटेड। तो इस स्मार्टफोन के कुछ रूमर एंड लीक के कोड, इसके कुछ स्पेसिफिकेशन लीक हुए जिससे कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और साथ साथ अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना। वीडियो को पूरा देखने के बाद यार सब्सक्राइब नहीं करते यार बुरा लगता है, तो यार प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दे ताकि हम आपको फ्यूचर में अच्छी से अच्छी कंटेंट को प्रोवाइड करते रहे और आपको इस यूट्यूब चैनल पर टाइम टू टाइम अपडेट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो यार गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर योर टाइम, लेट्स गो इनटू इट। सो या गाइस, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के बिल्ड और डिजाइन की। आपको इस बिल्ड और डिजाइन में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। इसके जो डिजाइन है वो आपको रियलमी 8 के जैसा देखने को मिलेगा, रियलमी 8 प्रो के जैसा देखने को मिलेगा। काफ़ी इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिल जाएंगे और मेजर डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे सेम देखने को मिलने वाला है। और बात की जाए इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले से, उसमें आपको 6.5 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, 90 हर्ट्ज वाला रिफ्रेश देखने को मिल जाएगा और डिस्प्ले वाइज में आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। और तो और बात की जाए इसके फाइनली कैमराज की, तो उसमें आपको 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का क्वाइट कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा बैक साइड के, जिसपे आप 4K 30 fps पर रिकॉर्ड करवा हुए स्टेबलाइजर में से देखने को मिलेगी और इमेजेस भी आपको अच्छी वाली देखने को मिल जाएगी। और तो बात की है इसके फ्रंट कैमरा की, जिसमें आपको 32 मेगापिक्सल की फ्रंट सेल्फी देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, जो जिसमें आप बोके मोड का आईमी सेल्फी ले पाओगे। और तो बात की जाए इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की, तो उसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 810 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि 5G चिपसेट है और यह जो 6nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। इसकी जो एंड्रॉइड ग्राफिक्स कार्ड है जो कि 660 है, जो कि काफ़ी अच्छी है। अगर आप इसमें हार्डकोर लेवल की गेमिंग ज़्यादातर गेमिंग करते हो तो कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगी, आज में जो आपको गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा देखने को मिलने वाला है। तो और बात किया इसकी बैटरीज की, जिसमें आपको 5000mAh की बैटरी और 33W की फास्ट सपोर्ट देखने को मिल जाएगी, सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। और तो इसमें जो बात की जाए इसकी एंड्रॉइड वर्जन की, जिसमें आपको एंड्रॉइड 11 देखने को मिलेगी, रियलमी UI 2.0 देखने को मिल जाएगी और आउट ऑफ द बॉक्स जो है इसमें आपको एंड्रॉइड 12 देखने को मिल जाएगा। इसमें एंड्रॉइड 12 का अपडेट आपको जल्दी देखने को मिल सकता है, जैसे रियलमी 8 प्रो में एंड्रॉइड 12 था, तो इसमें भी आपको एंड्रॉइड 12 कुछ दिन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फाइनली बात कर लेते हैं इसके कनेक्टिविटी एंड सेंसर की, तो इसमें आपको 3.5mm का हेडफोन जैक, ब्लूटूथ 5.0, वाईफाई 6, डेडिकेटेड सिम कार्ड स्लॉट, और तो और इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, जायरोस्कोप, कंपास और प्रॉक्सिमिटी। कनेक्टिविटी सेंसर में आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। और तो और बात की जाए इस स्मार्टफोन की रैम वेरिएंट की, तो उसमें आपको LPDDR4X रैम UFS 2.2 का स्टोरेज साथ देखने को मिल जाएगा, 6GB प्लस 64GB, 4GB प्लस 464GB, 4GB 6GB प्लस 128GB, 8GB प्लस 256GB वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। और किस को प्राइस निकल गया 8GB वाली, तो उसमें आपको 17,000 से लेकर 25-26,000 के अप्रोच देखने को मिल जाएगी। तो बात की जाए इसकी फाइनली इंडिया लॉन्च की, तो ये जो स्मार्टफोन है वो आपको लीक्स के अकॉर्डिंग ऐसा निकल गया है, ये जो आपको नेक्स्ट मंडे देखने को मिल जाएगा। तो ये स्मार्टफोन आपको नेक्स्ट मंडे इंडिया में देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस स्मार्टफोन का वेट कर रहे थे, तो अगर आप ये स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हो तो हमें कमेंट में जरूर, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर दो और सबसे ज़्यादा अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाली बेल आइकन को प्रेस कर दो। सो या गाइस, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय एंड पीस आउट। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।